पति होली खेलकर आया और सीधे बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद बाथरूम में जोरदार धमाका हुआ। पत्नी, क्या हुआ? पति, कुछ नहीं, बनियान गिर गई। पत्नी आश्चर्य से, क्या? बनियान गिरने की आवाज इतनी भयानक? पति, बनियान के अंदर मैं भी था। पत्नी, हे भगवान। होली के दिन तेज रफ्तार गाड़ी चला रही युवती को रोककर चालान काटते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कहा, आपने पढ़ा नहीं कि 40 के ऊपर गाड़ी चलाना मना है? युवती, लेकिन मैं तो 23 की हूँ। लड़की ने गहरी सांस लेते हुए कहा। होली के मौके पर रेवड़ी लाल ने अपने दोस्तों को डिनर पर बुलाया। दोस्तों के आने से पहले वह कमरे में रखे सजावटी सामानों को हटाने लगा। सामानों को हटाते देख उसका बेटा चंपू पूछने लगा, पापा, क्या आपके दोस्त ये सामान ले जाएंगे? रेवड़ी लाल, ले तो नहीं जाएंगे बेटा, लेकिन पहचान जरूर लेंगे। होली मिलन समारोह में एक औरत शर्माते इठलाते हुए अपनी सहेली से कहने लगी, लगता है वह सामने बैठा व्यक्ति मुझ पर मर मिटा है, नजर ही नजर में मेरी तारीफ कर रहा है। सही कहा, वह पुरानी चीजों का व्यापारी जो है, सहेली ने जवाब दिया। होली के 2 दिन पहले रद्दी वाला, मैडम जी पुराना रद्दी माल है क्या? औरत, वह अभी बाहर गए हैं, घर लौट आए तब आना। पति होली की रात गायब रहने के बाद सुबह जब घर पहुंचा तो पत्नी ने गुस्से से कहा, अब सुबह के 7 बजे तुम किस लिए आए हो? पति ने मायूसियत से जवाब दिया, नाश्ता करने के लिए। एक बदसूरत औरत YouTube पर होली के क्लिप्स देख रही थी। अचानक पास बैठे पति से पूछने लगी, अगर कोई आदमी मुझे जबरदस्ती भगा कर ले जाने लगे तो तुम क्या करोगे? मैं उस आदमी से कहूँगा, नेक इंसान, भागने की जरूरत नहीं है, आराम से जाओ। पति ने ठंडी आहें भरते हुए कहा। होली के मौके पर बड़े दिनों बाद 2 दोस्त की मुलाकात हुई। पहला दोस्त, क्या तुम्हारी शादी हो गई? दूसरा दोस्त, हाँ हो गई, और तुम्हारी? पहला दोस्त, जाके राखी साइयां, मार सके ना कोई। डॉक्टर के पास एक मरीज पहुंचा जो रुपए पैसे वाले किसी मामले को लेकर बहुत परेशान था। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। 4 दिन पहले एक और आदमी मेरे पास आया था, उसने अपने पड़ोसी से उधार लिया था जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा, भूल जाओ कि तुमने कोई उधार लिया था, बस आज वह आदमी मजे में है। मरीज ने झल्लाते हुए कहा, उसका बदनसीब पड़ोसी मैं ही हूँ। चंदू, तुम्हारे 2 दांत कैसे टूट गए? मंदू, होली में बीवी ने कड़क रोटी बना दी थी। चंदू, तो उसे खाने से मना कर देते? मंदू, वही तो किया था।